अवैध नियुक्ति में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने करोड़ों के राजस्व का गबन किया। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एडवोकेट पुनीत कंसल ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी की नियुक्ति को लेकर कई आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध नियुक्ति में कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने करोड़ों के राजस्व का भी गबन किया है। उन्होंने इस संबंध में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के रजिस्ट्रार की फर्जी गतिविधियों को उजागर करते हुए कुल सचिव के अवैध नियुक्ति के उपरांत करोड़ों के राजस्व के किए गए गबन को लेकर एक दस्तावेजी सबूत भी पेश किया है। इस दस्तावेज के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के तत्कालीन पदाधिकारियों पर आरोप है कि उनके द्वारा विज्ञापन संख्या 1 विज्ञापन सेवा 2 14/5 दिनांक 12/7/2014 में उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल सचिव पद हेतु अयोग्य गिरीश कुमार अवस्थी को हरिद्वार में कुल सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ताओं ने कई बार इस संबंध में शिकायतें की, लेकिन विभागीय स्तर से शिकायतों का दबाव जाता रहा। नहीं हुआ, इन्होंने अपने हाथ से फॉर्म भरा हुआ है जिसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि मैं डिमोट नहीं हुआ, ये मेंशन है इसके अंदर। उसके बावजूद लोक सेवा आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की ये जो फॉर्म के अंदर इन्होंने फिल किया इसको इग्नोर किया, उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया ढंग से नहीं करी और इनको रजिस्ट्रार के पद पे अपॉइंटमेंट दे दिया उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। इनकी कई सारी शिकायतें जाती रही लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। दिसंबर में मेरे पास ये प्रकरण आया, दिसंबर 20 में मैंने ये शिकायत करी, 2022 में मैंने दिसंबर में शिकायत करी कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत है, UKPSC को शिकायत करी कि आपने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत है, इनके फॉर्म को आपने इग्नोर किया, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स इनके फॉर्म के अंदर थी जिनको आप इग्नोर करके चल रहे हैं और उनके द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं। CC कॉपी VC यूनिवर्सिटी को भी थी, गवर्नर हाउस भी थी और प्रेजिडेंट हाउस भी थी। प्रेजिडेंट हाउस से तुरंत इस पर कार्रवाई होते हुए मेरे को 16 तारीख में लेटर इशू हो गया जो शासन को था कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और उसकी सूचना शिकायतकर्ता को मिलती रहे और मेरे को उसकी CC कॉपी है, तो ये मेरे पास वो ईमेल है। लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने इनको बचाने का काम किया। यूनिवर्सिटी ने 21 जनवरी तक मेरे पास कोई लेटर इशू नहीं किया। 21 जनवरी को वो मुझे बोलते हैं सर आप अपना एक एफिडेविट दे दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।